हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रमज़ान की इफ्तारी के लिए स्पेशल आलू भुंडा बना रही हूँ। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने हाफ टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी इसमें कम ही रखिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले रई ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये देखिए रई अच्छी तरह से चटक रही है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है। आप चाहे तो हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए हरी मिर्च हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इस प्याज को अच्छी तरह से नरम कर लेंगे। ये देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से चमचे से मैश कर लेंगे। और हमने आधा नींबू का रस लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये लीजिए आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इस बेसन का एक घोल रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा। अब हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। हमारा रेडी हो चुका है। ना ये ज्यादा ठीक है ना ये ज्यादा पतला, इससे भी कंसिस्टेंसी चाहिए। चलिए हमने आलू की स्टफिंग के राउंड बॉल्स बना लिए हैं। अब हम आलू का भुंडा फ्राई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम आलू के भुंडे फ्राई करेंगे। आप जब भी आलू के भुंडे फ्राई कर रहे हो, इस तरह के डीप कढ़ाई लीजिए। ये हमारी रमजान की स्पेशल इफ्तारी के लिए हम बना रहे हैं। आप इस तरह का आलू भुंडा बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भुंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे भुंडे फ्राई कर लेंगे। आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।